अमरूद तो माशाल्लाह से मेरे लगे हुए हैं, ये तो एक सीजन खा चुके हैं, ये माशाल्लाह से दो सीजन साल में दो दफा लगते हैं इस पे फल ना। एक दफा तो हम पानी के अंदर भी इन्होंने दाना डाला हुआ है। अच्छा, अंडे बच्चे किसी ने नहीं दिया अभी तक। सर्दी बहुत है और जमीन बहुत हार्ड हुई हुई है। ये रहे मेरे गुलाब, जिनकी वजह से माशाल्लाह से मेरे घर और मेरी गली में खुशबू रहती है। वालेकुम जनाब, ये हमने अपने लव बर्ड्स को खाना खुना रख दिया है और बजेस को भी। तो हमारे लव बर्ड ने माशाल्लाह से अंडों में से जो है बच्चे निकाल लिए हैं, वो चेक करते हैं कि कितने हैं और क्या रूटीन है उनकी। सबसे पहले ये लेफ्ट वाली बास्केट में, हाँ जी माशाल्लाह से खाना खिलाया हुआ और इसने इसमें दो बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह से। दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सर रख के सो रहे हैं जी। क्यूट माशाल्लाह से, अल्लाह करे ठीक रहे और बच्चे ने अच्छे से ग्रोथ करें मेरे पास ही। आमीन। ये पहले भी बच्चे निकले हैं कि मगर मेरे पास सरवाइव नहीं कर सके थे, तो इस बार देखते हैं अल्लाह करे सरवाइव कर। अब हम देखते हैं दूसरी वाली में, और ये मामा बाबा इसकी गई, इसमें भी माशाल्लाह से दो बच्चे निकल आए हैं भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दो हैं एक ही है, दो है माशाल्लाह से। ओए क्यूट क्यूट माशाल्लाह से क्यूट, तीन है माशाल्लाह से, तीन है ये ना। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसने छः अंडे दिए थे, हाँ तीन अंडे बचे हुए, तीन में से निकल आए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये हमारे लव बर्ड के तो हो गए, दोनों हांडियों में माशाल्लाह से बच्चे निकल आए हैं, और ये बजिस की हांडियों में नज़र नहीं पड़ती। अंडे तो दिए हुए थे और कुछ ये मेल इनके बाहर निकाल के डाल देते हैं, तो ख़ास आइडिया नहीं है, देखते हैं कितने के होते हैं। अब हम चलते हैं हमारी कट्टो के पास, ये कट्टो भी बैठी हुई अंडों पर, तो इंशाल्लाह दिखाएंगे जैसे इससे बच्चे निकलते हैं। फ्राइडे को रखा था और इस फ्राइडे को इंशाल्लाह इसके नीचे से बच्चे निकलने हैं, तो फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे। साथ में हमारी मुर्गियां अभी तक मैंने नहीं खोली, ये यहीं फिर रही हैं, तो अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह इनको खोलता हूँ फिर देखते हैं। ये हमारा बैकयार्ड, डक्स वगैरह को और गिनी फॉल को मैंने खोल दिया था, तो ये यहाँ पर फिर रही हैं, और अभी हम खोलेंगे अपने मुर्गियों को। बच्चों वाली मुर्गी को भी मैंने खोल दिया था, तो अब हम खोलेंगे अपनी अंडों वाली मुर्गियों को। ये जनाब ये जी हाँ जी, हाँ शुक्र है मौसम कुछ ठीक हुआ है, वरना तो बहुत धुंधे पड़ रही थी और फिर कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करें, कुछ दिखाई भी नहीं देते इनको, खोलते ही नहीं थे इतने खास ना, तो आज थोड़ा सा मौसम खुला है तो इनको भी खोल देते हैं, घूम फिर लें थोड़ी। हाँ भाई लालू लालू, हाँ तो ये अपना घूम फिर ले और हम देखते हैं मजीद क्या काम करना है, कोई और टास्क देखते हैं ढूंढते हैं हम। साथ में अपने पिजन को भी चक्कर लगा लें देख लें, हाँ जी पिजन माशाल्लाह से ठीक है। ये क्या पानी के अंदर भी इन्होंने दाना डाला हुआ है,
अंडे बच्चे किसी ने नहीं दिया अभी तक। ये प्लांट्स को भी पानी लगने वाला हो रहा है। अमरूद तो माशाल्लाह से मेरे लगे हुए हैं, ये तो एक सीजन खा चुका है। ये माशाल्लाह से दो सीजन साल में दो दफा लगते हैं इस पे फल ना, एक दफा तो हम खा चुके हैं, अभी फिर लग गया अल्लाह का शुक्र। एक मैंने ये काम किया था, ये मैंने ईंटे कुछ मंगवाई थी क्यारियाँ बनाने के लिए, तो इधर डाल दी थी लोडर वाले ने, अब इधर से ये सेट किए हैं, उधर एक जगह पे इकट्ठी किए हैं, तो नीचे से लान निकला है मगर घास काफ़ी हद तक मर चुका है, तो इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। कंगी पाम माशाल्लाह से मेरे ठीक ग्रो कर रहा है, और कंगी पाम कह रहा हूँ, ये बॉटल पाम और साथ में ये पाम भी बढ़ता जा रहा है। बस गलती मेरे से ये हो गई, दोनों मैंने ये साथ साथ लगा दिए, हालांकि ये मुझे आइडिया नहीं था ये इतने बड़े दरख्त बनेंगे, मगर अब दूसरे एक दूसरे को ये बिल्कुल ना धकेल रहे हैं, एक निकालना पड़ेगा इसमें से। तो दूसरा पोर्शन ये रहा कंगी पाम हमारा। माल्टे हम खा चुके हैं, अंगूर की बेल अब पत्ते आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह निकालना शुरू करेगी। मैं अब फ़िलहाल तो रैबिट्स के लिए घास लगाऊंगा। ये मूलियाँ सेकंड लगाई निकल आई हैं माशाल्लाह से, अगर मेरी मुर्गियाँ खास छोड़ती नहीं हैं इनको। और आज ये क्यारा बनाना है इंशाल्लाह ताला, इसमें लगाएंगे कुछ ना कुछ। हाफ बन गया था, हाफ बनाना है। ये इसके अंदर मैंने डाली हुई है खाद जो मेरी अपनी मुर्गियों रैबिट्स वगैरह की है, उनके नीचे से जो पैडिंग मटीरियल होता है वो निकाल के इधर डाल दिया है। और ये प्याज के लिए इंशाल्लाह ताला कुछ घास के लिए, ये मेरे ब्रिंजल का पौधा अभी कुछ दिन पहले तोड़े थे तो नहीं लगे हुए। ये प्याज गोडी मांग रही है, ये लहसुन है मेरा, और ये धनिया जो कि खास उठ नहीं रहा क्योंकि धूप नहीं लगती यहाँ पर दीवार की वजह से। ये पुदीना लगा हुआ है, देसी पुदीना। और एक ये लहसुन रहा, साथ में ये रहे मेरे गुलाब, जिनकी वजह से माशाल्लाह से मेरे घर और मेरी गली में खुशबू रहती है। बंच ऑफ रोज़ेस, ये बाढ़ भी काटने वाली हो रही है। खजूर का दरख्त भी काफ़ी बड़ा हो गया, ये बाढ़ थोड़ी सी ट्रिम होने वाली हो रही है। और ये पौधा भी खुद से ही निकल आया है, इसको बहुत बार काट चुका मगर ये निकलता रहता है। तो अभी करते हैं काम, उससे पहले सबसे पहले करनी पड़ेगी चेंज, तो चेंज करके पहले वो क्यारा बनाते हैं, सेट करते हैं क्यारा और काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। फिर बाकी के अपडेट देंगे बाद में, तो मिलते हैं ब्रेक के। हाँ जी, गार्डनिंग मोड ऑन हो गया है, तो ये क्यारा बनाना है इंशाल्लाह, यहाँ पर कुछ घास वास लगा देंगे, तो शुरू करते हैं। आधा कर दिया था, आधा ग्रह सर्दी बहुत है और ज़मीन बहुत हार्ड हुई हुई है। Thank you.